करना है, परफॉर्म करना है। बट और सिद्धार्थ एक और चीज मैं बताऊं, पिछले साल जो दोनों टीमों के बीच नोटिस किया था, उन्होंने एक कमेंट कही थी आपसे व्हिच वाज वेरी इंटरेस्टिंग, आपने उनसे कुछ एंड इज दैट गोइंग टू बी आउट अगेन ड्रॉप विस। मैंने दो चीजें नोटिस की है इस लीग में, द बैटिंग हैज बीन ग्रेट, बॉलिंग हैज बीन ग्रेट, however extras ho and fielding has been slightly weak. Are these teams not taking fielding that seriously? Support kar rahe hain, lagta hai aapko ek role zarur milne wala hai bahut jald. Yaar mujhe jaldi mil jaye to acha hai. Yaar main pata kya Siddharth, dekhiye alag field mein jaane ka na maza alag hai, matlab kuch alag aap karna. How many runs will the batting side score? And that's another four. A 50 in 24 गेंदों में यह अर्शदक आता हुआ, और देखिए जमीन को चूमते हुए, और ये देखिए ये जो मिट्टी से प्यार है, ये जो अपनी भूमि से रखी है। फिर से नो मैंस लैंड में आगे गेंद गिरती हुई, कहते हैं फिर जमीन को चूमते हुए, देखिए मत्था वहां पे टेकते हुए। वैसे चूमना इनको बहुत पसंद है, ये बहुत फिल्मों में भी करते हैं ऐसे। मैं खामोश रहूंगा। जी मैं शत्रुघ्न सिन्हा की नहीं बात कर रहा हूं, मैं मनोज तिवारी की बात कर रहा था। मैं खामोश रहूंगा। मैं अब शत्रुघ्न सिन्हा बन चुका हूं, जब ऐसी बातें कोई करता है मैं खामोश हो जाता हूं। मनोज तिवारी को बिग एम ऑफ द भोजपुरी इंडस्ट्री कहा जाता है, एंड ही इज गोइंग टू बिकम द बिग एम ऑफ क्रिकेट। और यहां पे मुझे लग रहा है 25,000 रुपए भी उनको मिलेंगे, क्योंकि ये तो आप भूल ही गए, पार्ले पे स्ट्राइक किया है, सीधे बल्ले से स्ट्राइक किया है, और यहां पे 25,000 रुपए उनके नाम। और आपको जबकि नोटों की बात आती है, आप हमेशा याद रखते हैं, खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, मैं खड़ा भी हो जाता हूं। ये देखिए ये स्ट्राइक, बट आपने वो चेस्ट थंप देखा जो लिएंडर पेस और महेश भूपति करते थे, आज मनोज तिवारी ने किया था अपने बैट्समैन के साथ, द चेस्ट थंप। यार वो तो क्रिस गेल भी करते हैं, उनसे तो नहीं सीखा कहीं। देखिए मैं आई प्रेफर सेइंग लिएंडर पेस एंड महेश भूपति एज वेल। बिल्कुल भारतीय, भारतीय, भारत की शक्ति। वैसे इस वक्त आप मेरे साथ चेस्ट थंप मत करिएगा प्लीज। ओ अगर डायरेक्ट हिट तो करीबी मामला था, मुश्किल होती यहां पे, थोड़ी तालमेल में कमी, फिर भी मनोज तिवारी मुस्कुराते हुए। मुझे लग रहा है ही इज फाइंडिंग इट वेरी इजी देयर, इफ यू लुक एट हिज एक्सप्रेशंस, माने वो बिंदास है, मजे कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि यू नो एक मजा आ रहा है उनको, जैसे वो खेल रहे हैं, जैसे बैटिंग कर रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं है, वो फ्रीडम से खेल रहे हैं, वो लाइसेंस है। पांचवें गियर में बल्लेबाजी करते हुए, ये नहीं कि पहले गियर में, शुरू से ही पांचवें गियर में रहे हैं। ये जो गाड़ी है स्टार्ट ही पांचवें गियर पे हुई है, और रिवर्स लगा ही नहीं अभी तक। आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से भी है मैंने देखा। बिल्कुल बिल्कुल। ये लीजिए मैडम, आपका बाल सब ठीक है? वेरी नाइस, सेटिंग बढ़िया है। हाँ बहुत बढ़िया सेटिंग है क्रिकेट के लिए भी, और यहाँ पे उठा के पर इस सेटिंग से बेहतर नहीं मेरे भाई, दिस इज द बेस्ट सेटिंग व्हेन द बॉल गेट्स आउट ऑफ द ग्राउंड। 93 फॉर नो लॉस, 8 overs। बस सेन गुप्ता क्या बैटिंग कर रहे हैं, मतलब जहां चाह रहे हैं वहां पे खेल रहे हैं, स्ट्राइक करते हुए और अच्छी फील्डिंग। इन्होंने फुटबॉल खेली होगी, इन्होंने कभी ना कभी फुटबॉल खेली होगी, बंगाल से है ना ये। अब कौन से क्लब से खेली इंद्र सीज ने वो नहीं पता, पर अच्छा रोका। पर देखा जाए क्रिकेटर्स भी टू इंप्रूव देयर फिटनेस फुटबॉल खेलते हैं। बिल्कुल, और आजकल तो हर मैच से पहले भी कई बार आप जब अभ्यास करते हैं, वार्म अप करते हैं, कुछ ना कुछ खेल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। कई बार उसमें थोड़ा खतरा रहता है, खासकर जब ड्यू हो, आपका पैर फिसल सकता है, एंकल में इंजरी आ सकती है, हुई भी है कुछ खिलाड़ियों के, पर एक फन एलिमेंट आ जाता है। देखिए कोई भी चीज आप एंजॉय करेंगे तो अपने आप झलकेगा, और मैच से पहले कहीं ना कहीं आप एंजॉय करना चाहते हैं, थोड़ा फ्री ऑफ माइंड रहना चाहते हैं। पर पिछले ओवर की आखिरी गेंद अगर आप देखें क्या घटा था, देखिए किस प्रकार ये स्ट्रोक खेला, मैक्सिमम अपने अंदाज में, स्लॉट में गेंद थी, रडार में गेंद थी, उसका लाभ उठाया। बट यादव का रोल भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। अच्छा अब ये सीसीएल सुपर फैन के लिए एक प्रश्न है, हाँ। कि हाईएस्ट रन इस मैच में कौन बनाएगा, और अगर आप सही आंसर करते हैं आप 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी जीत सकते हैं। सो जल्द से जल्द मैं जीतना चाहता हूं, आई वांट टू विन। मेरा प्रेडिक्शन ये है, इट्स गोइंग टू बी मनोज तिवारी। यार वो तो मेरी भी थी। बांट लेंगे भाई 50-50, 50-50 अपने नाम। सुपर फैन कॉल 5333-599 विन 1 लाख कैश टुडे। फोन करेगा तुरंत। तिवारी 57 पर। इसको कहते हैं आई ऑफ द टाइगर। देखिए उनकी आंखों को देखिए। नहीं पर मुझे ना इनका हेलमेट पहनने का स्टाइल भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ग्रिल नहीं है और जो ईयर पैड्स होते हैं वो भी नहीं है। और इस बार देखिए बेशक कुछ ना हो पर बल्ला चल रहा है, बल्ला चमक रहा है। इट्स अ पार्टी फॉर हिम। अब पार्टी चल रही है यहाँ पर। और एम्पायर को देखिए, ये भी इनको ही मजा आ रहा है, ये भी लहरा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ स्टैंड्स पर भोजपुरी डांस हो रहा है, अंपायर 6 वो भी डांस के स्टाइल में कर रहे हैं, हर जगह डांस हो रहा है। कमेंटेटर्स को भी डांस करनी चाहिए अभी। और देखिए भोजपुरी दबंग से जो झंडे हैं, जो सफेद झंडे हैं, वो ही नजर आ रहे हैं इस वक्त। और वो देखिए, ओहो ये क्या हुआ यार, आश्चर्यचकित की हो रही है। ये तो पहले भी हो चुका है इस इनिंग्स में। दूसरे 50 रन केवल 27 गेंदों में आते हुए। ये अच्छी गेंद अपील करते हुए विकेट कीपर, पर एम्पायर बिल्कुल भी प्रभावित नहीं। 100 रन भी पूरे हुए, 101 बिना किसी नुकसान के। फिलहाल कमेंटेटर बॉक्स में तब्दीली। मेरे साथ जुड़ चुके हैं शंकर, क्योंकि सिद्धार्थ फिलहाल नीचे गए हैं डगआउट की तरफ किसी की तलाश में। और शंकर कैसा लग रहा है आपको? वेल अजय, आई थॉट द इनिंग्स व्हाट वी सॉ इन द फर्स्ट मैच राजीव was the toast, but I think Manoj Tiwari has won the encounter hands down. It's been his day. Phenomenal batting and out of the blue. और सबसे बड़ी बात है, अगर पहले मैच में आपका आगाज ऐसा हो, आप ऐसी बैटिंग कर रहे हो, तो पूरा जो टूर्नामेंट है उसमें कॉन्फिडेंस रहता है। हालांकि अगर आप देखें जिशु अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं। आप सैंडी को लेके आए हैं। सैंडी मैंने पिछले सालों में देखा है, काफी उपयोगी गेंदबाज है बंगाल टाइगर्स के। लंबा रन अपनी है, स्पिनर है। वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप एंड कॉल्ड वाइड। अब मुझे लगता है ये इतने रनअप से आप 4-5 कदम लेके आ रहे हैं और फिर भी अनुशासन नहीं रख रहे, फिर मुश्किल है। ये आप कम से कम जो वाइड है, ये एक्स्ट्राज हैं, इसको कट डाउन करना होगा। अब देखिए थोड़ा सा दौड़ते हैं, लंबा रनअप नहीं है, स्पिनर है, पर सही लाइन और लेंथ में विकेट टू विकेट गेंदबाजी करेंगे तो बेहतर है। T20 matches sometimes are won on the basis of fielding, and we have seen the fielding of Bengal Tigers. The Tigers were found wanting. यार मुझे चश्मा बहुत अच्छा लगा इनका, चमक रहा है। और खासकर दूधिया रोशनी में जब लाइट्स जलती हों और चमकता है। Well, that's because they are actors first and then players later. So we should take it in the right spirit, and at the same time the commitment of each and every player is noteworthy. Ajay, you must have seen, because you have gone to the dugout a number of times, you must have seen the commitment of all these players. बिल्कुल सही कहा शंकर। और मैच से पहले जैसे अभ्यास करते हैं, जैसे प्रैक्टिस करते हैं, जिस जोश से प्रैक्टिस करते हैं, तो जो सीरियसनेस है वो नजर आती है। ये नहीं कि केवल अंदर आ गए, क्योंकि ये अभी नहीं है, ये कम से कम 3-4 महीने पहले टूर्नामेंट से ये अभ्यास शुरू हो जाता है, प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, क्या टीम रहेगी। अब देखिए अगले जो बैट्समैन हैं, जो पैडेड हैं, वो कितने फोकस्ड हैं। अगर आप सीसी सुपर फैन हैं, आप कॉल करिए 5333-599। और हेलमेट पहन कितने फोकस्ड हैं। अभी भी देखिए आंखें बिल्कुल गड़ी हुई है बीच में। इफ यू आर वेयरिंग ए हेलमेट यू आर अ प्लेयर, इफ यू डोंट यू आर अ सुपर फैन। Taking the aerial route and at the same time, this has been a good over so far for Bengal. मुझे तो शंकर सैंडी का जो एफर्ट है वो बहुत बढ़िया लगा। कैसे डाइव की, ये देखिए। बेशक भारी भरकम शरीर है, पर एक-एक रन रोकना चाहते हैं और अच्छा ओवर है अभी तक। एक वाइड करी थी जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, और उसके बाद 3 डॉट बॉल और अब 1 रन गया है, पर वो 1 रन भी रोकना चाहते हैं। ये देखिए एफर्ट, अब एफर्ट में कमी नहीं है। नाम तो सैंडी है, so he would love the sand, but it's grass here. इस बार उठा के खेला ऑन साइड पे, 1 रन और मिलता हुआ। 10 ओवर की समाप्ति, आधे ओवर समाप्त हो चुके हैं, 104 बिना किसी नुकसान के।